हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम 5.2 पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा के गुण जानेंगे और हम संगामी रेखा के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो पटरियाँ हैं और इन दोनों पटरियों को एक तीसरी पटरी काटते हुए जा रही है और इन दोनों पटरियों को अलग अलग जगह पर काट रही है। इसी तरह यहाँ पर दो सड़कों को एक तीसरी सड़क दो जगह पे काट रही है, मतलब दो अलग अलग जगहों पे काट रही है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेखा है, रेखा L और M दो रेखा है और एक तीसरी रेखा N, तीसरी रेखा N इसको काट रही है और इसको अलग अलग जगहों पे काट रही है। मतलब दो रेखाओं को तीसरी रेखा अलग अलग जगहों पर जब काटती है तो वो तीसरी रेखा जो है तिर्यक रेखा कहलाती है, या फिर इसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेखा M और रेखा L को रेखा N, O और P बिंदु पर काट रही है, तो इसको हम कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। इसको रेखा N को, रेखा N को हम कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे रेखा को हम कहते हैं संगामी रेखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा है A, फिर यहाँ पे दूसरी रेखा B, C, यहाँ पे ये सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है, तो इसको हम तिर्यक छेदी रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा वो होती है जिसे दो रेखाओं को तीसरी रेखा अलग अलग जगहों पर अलग अलग बिंदुओं पर काटे, वैसी रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। इसको हम कहेंगे संगामी रेखा, इसको हम संगामी रेखा कहेंगे और ऐसी रेखा को हम कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। यहाँ पर आप परिभाषा भी देख सकते हैं, उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखने पर आप पाते हैं कि यहाँ एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, ऐसी रेखाएं तिर्यक छेदी रेखाएं कहलाती है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखने पर, तो आप इन तीनों चित्रों को देखिए, आप पाते हैं कि यहाँ एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर एक रेखा जो है इन दोनों रेखाओं को अलग अलग जगहों पर प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि काट रही है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखाएं। आई होप आपको तिर्यक छेदी रेखा अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हमने तिर्यक छेदी रेखा के बारे में पढ़े हैं, अब हम संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे। संगत कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक रेखा एल है और एक रेखा एम, इसको हम L मान लेंगे और इसको हम M मानेंगे, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं। इसको एक तीसरी रेखा इस तरह प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि काट रही है, तो ये रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा। तो हम लोग पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में, संगत कोण क्या होता है। पहले हम यहाँ पे कोण बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, पाँच छः सात और ये आठ, ठीक है, हमने ये कोण बनाया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे हमने कोण बना लिया, कोण एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक। अब हमें निकालना है संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म यानी कि संगत कोणों का जोड़ा हमें देखना है कि कौन कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संगत कोणों का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन सा है, कोण एक और कोण पाँच, कोण एक और कोण पाँच, ये दोनों कोण हैं संगत कोणों का युग्म यानी कि संगत कोणों का जोड़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण एक, इस तरह से हम कोण को दर्शाते हैं, ठीक है, इस सिंबल से हम कोण को दर्शाते हैं, कोण एक एवं कोण पाँच, तो ये दोनों कोण कौन सा है, ये दोनों है संगत कोणों का जोड़ा, संगत कोणों का युग्म। ठीक है, अब हम दूसरा जोड़ा देखते हैं, कोण दो और कोण
छः, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया कौन एक और कौन पाँच, ठीक है, ये दोनों कौन, एक ऊपर वाला कौन और एक अंदर वाला कौन, तो एक कौन एक और कौन पाँच, ये दोनों कौन संगत कोणों का युग्म है। उसी तरह से कौन दो और कौन छः, कौन दो एवं कौन छः, ये दोनों कौन भी संगत कोणों का जोड़ा है। तीसरा है कौन चार और कौन आठ, कौन चार और कौन आठ भी संगत कोणों का युग्म है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन चार एवं कौन आठ। अब है कौन तीन और कौन सात, कौन तीन और कौन सात भी संगत कोणों का युग्म है। तो यहाँ पे कौन तीन एवं कौन सात हम लिख देंगे। तो ये हो गए चार जोड़े संगत कोणों के युग्म, यानी कि संगत कोणों के चार युग्म हैं ये सब। तो इस तरह से हम संगत कोणों को अब आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोण के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा हमने ले लिया L और दूसरी रेखा है M, यहाँ पे दो रेखाएं हैं और एक रेखा इसको इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा का नाम हमने दे दिया N। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से कोण बनाएंगे, कोण एक कोण दो कोण तीन कोण चार कोण पाँच और कोण छ कोण सात और कोण आठ। तो ये हमने आठ कोण बना लिया। अब इनमें से हम पहचानेंगे कि बाह्य एकांतर कोण कौन सा है और अंतः एकांतर कोण कौन सा है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, बाह्य मतलब होता है बाहर का एकांतर कोण, बाहर का एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण मतलब कि अंदर का एकांतर कोण। तो यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कि बाहर का कोण कौन कौन सा है। तो बाहर कितने कोण हैं, कोण एक कोण दो, ये दोनों कोण बाहर का कोण है, कोण सात और कोण आठ, ये दोनों कोण भी बाहर का कोण है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि बाह्य एकांतर कोण इन्हीं चारों में से होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है बाह्य एकांतर कोणों का युग्म, ठीक, बाह्य एकांतर कोणों का युग्म लिखना है, यानी कि बाह्य एकांतर कोणों का जोड़े को हमें लिखना है। तो जोड़ा हम कैसे बनाएंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोण एक ये बाहर का कोण है, कोण सात भी बाहर का कोण है। तो कोण एक और कोण सात, कोण एक और कोण सात, ये दोनों हो गया बाह्य एकांतर कोणों का युग्म, एक युग्म तो ये हो गया। दूसरा कोण दो और कोण आठ, कोण दो और कोण आठ, कोण दो भी बाहर का कोण है और कोण आठ भी बाहर का कोण है, ये दोनों कोण भी हो गया बाह्य एकांतर कोण, कोण दो और कोण आठ। अब हम देखेंगे अंतः एकांतर कोण कौन कौन सा है। तो यहाँ पे अंदर में कौन कौन सा कोण है, कोण तीन कोण चार कोण पाँच और कोण छः। तो कोण तीन और कोण पाँच ये दोनों हो गया अंतः एकांतर कोण, कोण तीन और कोण पाँच, और कोण चार और कोण छः, कोण चार और कोण छः, तो ये दोनों हो गया अंतः एकांतर कोण। हमने अभी क्या क्या देखा, संगत कोणों के युग्मों को हमने पढ़ा, उसके बाद हमने एकांतर कोणों के युग्मों को पढ़ा। हमने देखा कि एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में। यहाँ पर हम कोण बनाएंगे, कोण एक कोण दो कोण तीन और कोण चार, फिर कोण पाँच कोण छः कोण सात और ये कोण आठ। पहले हम लिखेंगे बाह्य कोण कौन कौन सा है, उसके बाद हम लिखेंगे अंतः कोण के बारे में। बाह्य कोण यानी कि बाहर का कोण, बाह्य कोण यानी कि बाहर का कोण। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा कोण बाहर का कोण है, जैसे कि कोण एक कोण दो कोण सात और कोण आठ, ये चारों ही कोण बाहर का कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण एक कोण दो
कोण सात और कोण आठ, ये चारों कोण बाहर के कोण हैं। अंतः कोण कौन कौन सा होगा? कोण तीन, कोण चार, कोण पांच और कोण छः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण तीन, कोण चार, कोण पांच और कोण छः। तो ये हो गए बाह्य और अंतः कोण। दोस्तों आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था संगत कोणों के युग्म के बारे में और यहाँ पर भी हमने युग्मों के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ कोण पढ़ रहे हैं, बाह्य कोण और अंतः कोण। यहाँ पर हम युग्म के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि हम कोण के जोड़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा था बाह्य एकांतर कोणों के युग्म और अंतः एकांतर कोणों के युग्म। चलिए अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। पहले हम ये जानेंगे कि समांतर रेखा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक रेखा इस तरह से खींची और फिर एक रेखा इस तरह से टेढ़ी खींची, ठीक है। ये रेखा भी थोड़ा टेढ़ा है और ये वाला भी टेढ़ा है, तो इस तरह से हमने दो टेढ़ी रेखाएं खींची है। इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे इन दोनों रेखाओं को, जब हम बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को काटेगी, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा नहीं कहेंगे। और जब हम इस तरह से एक सीधी रेखा खींचते हैं और एक और दूसरी सीधी रेखा खींचते हैं, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो ऐसी रेखा को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, चाहे हम इसको कितना भी बढ़ा लें, ये रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी। तो ऐसी रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समानांतर रेखाओं के बारे में। समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा, तो ये दोनों रेखा समानांतर रेखा है और इस पर एक तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर हम कोण बनाते हैं, कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, कोण पांच, कोण छः, कोण सात और कोण आठ। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था संगत कोणों के युग्म को, कोण एक और कोण पांच, कोण दो, कोण छः, कोण चार और कोण आठ, कोण तीन और कोण सात। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संगत कोणों के जो युग्म हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि कोण एक है, कोण एक कोण पांच के बराबर है, कोण दो कोण छः के बराबर है, कोण चार कोण आठ के बराबर है और कोण तीन कोण सात के बराबर है। जब हम इस तरह से समानांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा खींचते हैं और इसका जो कोण बनता है, यानी कि इसका जो संगत कोण होता है, वो एक दूसरे के बराबर होता है। संगत कोणों के युग्म एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब इस तरह से हम समानांतर रेखाओं पे तिर्यक छेदी रेखा खींचते हैं और इस तरह का कोण बनता है, तो कोण एक और कोण पांच, कोण एक बराबर कोण पांच, कोण एक बराबर है कोण पांच के, कोण दो बराबर है कोण छः की, यानी कि कोण दो और कोण छः बराबर है, कोण चार और कोण आठ, तो ये दोनों कोण भी बराबर है, कोण तीन और कोण सात, कोण तीन बराबर है कोण सात के। यहाँ पे हमने लिखा संगत कोणों के युग्मों के बारे में और हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण के बारे में। हमने यहाँ पर बाह्य एकांतर कोण के युग्मों को लिखा था और अंतः एकांतर कोणों के युग्मों को भी लिखा था। तो ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों जो युग्म हैं, यानी ये दोनों जो जोड़ा है, ये एक दूसरे के बराबर है। कोण एक कोण सात के बराबर है, कोण दो कोण आठ के बराबर है, कोण तीन कोण पाँच के बराबर है और कोण चार कोण छः के बराबर है। तो यहाँ पर हम उसी को लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोण दो बराबर है कोण आठ के, और इसके पहले हम लिखेंगे कोण एक बराबर है कोण सात के, कोण एक कोण सात के बराबर है, कोण दो कोण आठ के बराबर है, कोण तीन बराबर है कोण पाँच के, कोण चार बराबर कोण छः। दोस्तों हमें ये भी जानना चाहिए
जब हम कोण चार और कोण पाँच को जोड़ेंगे तो ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण होगा। जब हम इसको मापेंगे तो इसका माप जो होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इस तरह से हम लिखेंगे कोण चार प्लस कोण पाँच, तो दोनों को मिलाकर होगा 180 डिग्री। इसी तरह से जब हम कोण पाँच और कोण छः को मापेंगे तो ये भी 180 डिग्री का होगा। यानी कि इस पूरे को जब हम मापेंगे इस तरह से, इस पूरे कोण को, तो ये 180 डिग्री का होगा। और उसी तरह से कोण एक और कोण दो भी 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पाँच प्लस कोण छः, तो ये दोनों कोण भी होगा 180 डिग्री का, और कोण एक और कोण दो, ये दोनों कोण भी 180 डिग्री का होगा। दोस्तों ये सारा चीज़ पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। फाइव पॉइंट टू में टोटल 9 क्वेश्चन हैं। हम सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।